नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, हरे कृष्णा। चिकोज रेसिपीज में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। तो आज है दुर्गाष्टमी, आप सभी को दुर्गाष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो जो आठवां नवरात्र होता है ये महागौरी को समर्पित होता है, यानी कि माँ दुर्गा के आठवें स्वरूप महागौरी की पूजा अर्चना की जाती है। तो जो महागौरी का स्वरूप है बड़ा ही शांत सौम्य है। और जो आठवां नवरात्र है ये जैसा कि बताया कि महागौरी को समर्पित होता है, और महागौरी का जो संबंध होता है वो शुक्र ग्रह से होता है। महागौरी की पूजा करने से वैवाहिक जीवन में जो भी अड़चने परेशानियां आ रही होती हैं तो हमें महागौरी की पूजा अर्चना करनी चाहिए, उन्हें लाल चुन्नी चढ़ानी चाहिए। तो जो श्रृंगार का सामान है जरूर चढ़ाना चाहिए, जिससे कि वैवाहिक जीवन में हमारे यानी कि दाम्पत्य जीवन में सुखी रहें और जो कोई अड़चने भी आ रही हैं तो वो दूर हो जाए। तो इसीलिए महागौरी की पूजा अर्चना की जाती है। या जिन लड़कियों की शादी होने वाली है या शादी नहीं हो रही है तो महागौरी को यानी कि आठवें नवरात्रे माता रानी को संध्या के समय जाकर थोड़ा सा जैसे श्रृंगार का सामान देकर आए, और उनमें से एक श्रृंगार का सामान अपने लिए ले आए तो दाम्पत्य जीवन भी सुखी होता है और विवाह में आ रही जो अड़चने हैं वो भी दूर होती है। तो कई लोगों ने आज अष्टमी में कन्या पूजन किया है, लेकिन मैं कन्या पूजन करूंगी कल। जैसे पूरे व्रत नहीं किए तो कहते हैं कि अष्टमी और नवमी के दो दिन अगर व्रत लगातार कर लें तो उनके पूरे नौ के नौ नवरात्रि माने जाते हैं। या जिन्होंने पूरे ही व्रत नहीं किए तो घर में दो लोग हैं वो एक जोड़ा हो जाता है, नवमी के दिन पूरा व्रत कर लें तो भी पूरे नवरात्रि माने जाते हैं। माता रानी का पूरा श्रृंगार करें, उन्हें श्रृंगार का सामान चढ़ाएं तो आपके जो नौ के नौ नवरात्रि हैं माने जाते हैं। तो ये जो चौकी का सामान है, कब हटाना है, जिनकी अखंड ज्योत लगातार जल रही है उसमें घी कब डालना है, नहीं डालना, कैसे हटानी है, ये वीडियो तो मैं आप लोगों को कल दे ही चुकी हूँ कि सामान वगैरह है आपको कैसे करना है, कब हटाना है, कलश हुआ जो पूजा की सामग्री हुई कब हटानी है। अब बात कर लेते हैं अखंड ज्योत की कि अखंड ज्योत में आज हम घी डालें या ना डालें। तो जी नवमी तक अखंड ज्योत का जलना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि नौ की नौ नवरात्रे होते हैं। जब तक नौ नवरात्रे नहीं किए जाते तो कहते हैं कि जो नौ देवियां होती हैं तो वो व्रत संपूर्ण नहीं होते हैं। तो नवमी के दिन तक जो अखंड ज्योत है जलनी चाहिए। नवमी तक आप अपने जो अखंड ज्योत में देसी घी या जो भी आप डालते हैं वो डालते रहें। तो फिर बात कर लेते हैं संधि काल की पूजा की। कई लोगों ने पूछा मेरे से कि मैम जो संधि काल की पूजा है कैसे की जाती है। तो जी अष्टमी के दिन शाम को संधि काल की पूजा की जाती है। इसका एक मुहूर्त होता है, कहते हैं कि अष्टमी तिथि के अंतिम 24 मिनट और नवमी तिथि के शुरू के 24 मिनट, इन दोनों को बीच में जो ये पूजा है कहते हैं कि कर लेनी चाहिए संधि काल की पूजा। लेकिन ये जो पूजा होती है बहुत भव्य होती है और लोग अपने अपने तरीके से करते हैं, लेकिन जो इसका पारंपरिक तरीका है वो यही है कि 108 इसके अंदर कमल होने चाहिए, 108 इसके अंदर मिट्टी के दीपक होने चाहिए और श्रृंगार का सामान, जेवर, माता रानी की चुन्नी, साड़ी जो भी होती है। तो जी जैसा कि अभी बताया 108 कमल, 108 तेल के दीपक होते हैं, मिट्टी के दिए होते हैं और श्रृंगार का सामान होता है, जेवर होते हैं। तो ये पूजा कुछ ऐसे की जाती है। बाकी आप कैलेंडर में या पंडित से जाकर संधि का जैसे चुघड़िया देखकर या कोई भी मुहूर्त होता है जो बताया होता है उसी मुहूर्त में आप माता रानी की पूजा अर्चना कर लें, अपने तरीके से कर लें कि सिंपल साधारण तरीके से पूजा कर लें कि श्रृंगार का सामान चढ़ा दिया, उनको चुन्नी चढ़ा दी, आपने दिए जला दिए तेल के, थोड़े से कमल के फूल ले आए वो चढ़ा दिए, माता रानी के मंत्रों का उच्चारण कर लिया, तो इन सब से भी आप अपनी जो संधि काल की पूजा है वो कर सकते हैं। तो चलिए जी अब ले लेते हैं आपके एक दो सवालों के जवाब। तो जी सवाल है कि राधा का कि हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा जी, क्या अष्टमी से एकादशी तक अखंड ज्योत जला सकते हैं। तो जी देखिए मुझे इतना नहीं पता कि अष्टमी से एकादशी तक अखंड ज्योत जला सकते हैं नहीं जला सकते, लेकिन अगर मेरे नज़रिए से देखा जाए तो अष्टमी के दिन माता रानी के अखंड ज्योत जलाएं, नवमी को भी आप जला सकते हैं। और वैसे भी जब एकादशी का व्रत हम करते हैं तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि दशमी तिथि से ही आप अखंड ज्योत जला सकते हैं। तो जी अखंड ज्योत जलाने में कोई मेरे को नहीं लगता कि कोई बुरी बात है, इसमें तो सकारात्मकता ही आती है और एक हमारे अंदर अच्छे भाव आते हैं और नकारात्मकता दूर होती है। सिर्फ मैं यही कह सकती हूँ मेरे नज़रिए से देखा जाए तो आप
जो अखंड जोत है जला सकते हो एकादशी तक। फिर सवाल है जसवंत का कि आंटी जी, नवरात्रि के पहले दिन जो हम हरियाली बीजते हैं वो अगर अच्छे से नहीं उग पाया तो क्या हमारी पूजा में कोई कमी रह गई है या माता रानी खुश नहीं है? ये जो कन्फ्यूजन है दूर करें और आप अपनी हरियाली कैसे उगी है वो भी दिखाएं। तो जी, मैंने आप लोगों को बताया था कि जो चैत्र माह में नवरात्रे आते हैं मेरे घर में, उन नवरात्रों में जो जों है वो नहीं बीजी जाती है। तो मैंने तो जों नहीं बोए हैं, अगर आपने जों बोए हैं, आपके ये परंपरा है और वो अच्छे से नहीं भी आए हैं तो ऐसा नहीं कि आपकी जो पूजा है सफल नहीं हुई है। तो अगर आप जों को लेकर चलते हो कि जों के करने से आपकी पूजा सफल नहीं, तो इसमें आपके भावों का तो कोई मोल ही नहीं रह गया, पवित्र मन का कोई भी फायदा ही नहीं है, श्रद्धा का कोई फायदा नहीं है। तो जी, सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आपका मन पवित्र होना चाहिए, भाव अच्छे होने चाहिए, हर किसी के प्रति सम्मान होना चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए परमात्मा के प्रति, तो जो आपकी सेवा है, पूजा है, अर्चना है, सब सफल मानी जाएगी। खाली आप ये ना सोचें कि आपने जो हरियाली बोई थी वो नहीं आई तो आपकी पूजा सफल नहीं हुई है। पूजा सफल होती है हमारे भावों से और हमारी श्रद्धा से। फिर सवाल है पूनम का, तो उन्होंने बोला कि अगर अखंड ज्योत घर में जली है, घर में किसी की डेथ हो जाए तो उस अखंड ज्योत का क्या करें? तो जी, उस अखंड ज्योत में आप घी ना डालें, जितना घी डला है उस ज्योत के अंदर उसमें डला रहने दे। जब ज्योत शांत हो जाए, वो तो जब घी नहीं डालोगे तो अपने आप शांत हो ही जाएगी, तो उसको एज इट वहीं रखा रहने दे। फिर सवाल है साई का, मैं 11 साल का हूँ, माता रानी की आरती करता हूँ पर मैं शाम को करता हूँ, सुबह मेरा एग्ज़ाम होता है तो मैं स्कूल में होता हूँ, तो क्या मैं एक टाइम आरती कर सकता हूँ? तो जी बिल्कुल, आप अपने मन ही मन में पूजा अर्चना कर सकते हो, मन ही मन में आरती कर सकते हो, मानसिक रूप से पूजा कर सकते हो, क्योंकि जब हम मानसिक पूजा में होते हैं तो हमारी पूजा ज़्यादा सफल होती है, क्योंकि हम पूरा एकाग्रचित होकर अपनी पूजा कर रहे होते हैं। फिर सवाल है अनंत का, तो उन्होंने बोला कि मैम, आप हीलिंग मत किया करो किसी की जब तक सामने वाले की गंदी एनर्जी को आप अच्छे से सस्टेन कर लें, आगे फॉरवर्ड ना कर सकें। बिकॉज आप जिसको हील कर दोगे अपनी एनर्जी से वो तो ठीक हो जाएगा, बट उसकी समस्या आपके पास आ जाती है। एवरीथिंग वर्क्स ऑन एनर्जी एंड एनर्जी नेवर डाई, बट इट इज चेंजेस फॉर्म इन दिस यूनिवर्स। हीलिंग तभी करनी चाहिए जब तक आपके पास कोई बिग एनर्जी ना हो, वरना अनवांटेड नेगेटिविटी आती है लाइफ में, मेरे खुद का एक्सपीरियंस है। तो जी, वैसे तो मैंने अब तक किसी की हीलिंग नहीं की है, लेकिन अपने मन ही मन में अपने जो मैंने थोड़ी बहुत रेकी सीखी है, तो अपनी हीलिंग तो मैं करती ही करती हूँ, दूसरे की हीलिंग मैंने अभी तक नहीं की है, लेकिन थोड़ा सा या यूँ कह लो कि मेरे विचार आपके विचार से नहीं मिलते हैं। आप अपनी जगह बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैक्सिमम लोग यही बोलते हैं कि हमें हीलिंग नहीं करनी चाहिए जब तक हमारे पास एनर्जी ना हो। तो तभी तो मैं आप लोगों को बोलती हूँ कि अपने पास इतनी ज़्यादा एनर्जी इकट्ठी करें कि हम सामने वाले को हील कर सकें, अपने आप को इतना पावरफुल बनाएं कि हम सामने वाले को हील कर सकें, और जो उसकी नेगेटिव एनर्जी है उसको हम पॉजिटिव एनर्जी में बदल सकें। अगर हर कोई ऐसा सोचने लग जाए कि हम किसी की हील ना करें, उसकी नेगेटिव एनर्जी हमारे पास आ जाएगी, तो मुझे तो नहीं लगता कि दुनिया में कोई सुखी होगा। कोई ना कोई तो ऐसे लोग दुनिया में होंगे जो दूसरों को हील करना चाहते हैं या हील करते भी होंगे और उनके पास वो नेगेटिव एनर्जी नहीं भी आती होगी। हाँ, मैं मानती हूँ इस चीज़ का भार हमारे ऊपर पड़ता है, लेकिन जब हम अपने आप को इतना ऊर्जावान, इतनी एनर्जी यानी कि जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा है, हम इतनी ज़्यादा ले लें कि हमारे ऊपर उस नेगेटिव एनर्जी का कोई असर ही ना रहे, फिर तो हम कर ही सकते हैं। तो ये सब एनर्जी आती है अपने विकारों को दूर करने से, प्रभु की भक्ति करने से आती है। इस आज का जो समय चल रहा है, इसमें आज जो ज़्यादा से ज़्यादा लोग हैं वो सिर्फ मैं, मेरा, मेरा परिवार, मेरे बच्चे, यहीं तक सीमित है। लेकिन हमें इससे अलग हटना होगा, हमें मैं मेरा ना होकर हमें हम में जाना होगा, तो जो एनर्जी है हमारे पास बहुत ज़्यादा आएगी। और इस टाइम तो वैसे भी जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा है धरती पर बहुत ज़्यादा आ रही है, सिर्फ हमें कैसे लेना है उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा को, उसे हमें पता होना चाहिए। तो जी, वो ऊर्जा हमारे पास जब आएगी, जब हम अपने विकारों को दूर करेंगे, सभी में परमात्मा को देखेंगे कि सामने वाले में भी मेरे परमात्मा का वास है,
जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा मैं मांग रहा हूँ सामने वाले के अंदर भी वही ऊर्जा है। फर्क सिर्फ इतना है कि सामने वाले ने जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा जाने अनजाने में ली है उसका उसको उपयोग करना नहीं आ रहा है। तो अगर हम थोड़ा सा अपने अंदर विकारों को कम करके, आत्ममंथन करके, अंदर की यात्रा करके, आत्मनिरीक्षण करके उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा को एक, क्योंकि ऊर्जा जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा होती है वो जहाँ तक मेरा ख्याल है पॉजिटिव ही पॉजिटिव होती है, उसको नेगेटिव बनाते हैं हमारे विचार। क्योंकि हमारा जैसा दृष्टिकोण होगा, जैसा नज़रिया होगा, सामने की चीज़ हमें वैसे ही नज़र आएगी। अगर एक पर्दा हिल रहा है, अगर मैंने अपने दिमाग में लगा लिया कि पर्दा हिल रहा है, ठीक है मेरे ठाकुर जी इस कमरे में बैठे हैं पर्दा हिला रहे होंगे, लेकिन अगर एक अपनी मान लो मेरी ही सोच है, मैं कह दूँ कि नहीं कोई भूत होगा, कोई प्रेत होगा या कोई आत्मा होगी जो इस पर्दे को हिला रही है, तो अगर मैं आत्मा की तरफ जाकर सोचूंगी, भूत की तरफ जाके सोचूंगी, तो जो मेरी एनर्जी है वो मुझे दब्बू बना देगी, मैं डर जाऊंगी। लेकिन अगर हो सकता है वो नेगेटिव एनर्जी ही हो, लेकिन जब मैंने अपनी ऊर्जा उसके अंदर डाली कि नहीं यहाँ तो मेरे परमात्मा है, तो वो एनर्जी अपने आप चली जाएगी। क्यों? क्योंकि मैंने उस एनर्जी के अंदर अपना पॉजिटिव वे डाला है, अपना विश्वास डाला है, इसलिए जो वो एनर्जी है मुझे वैसी ही नजर आई है। तो ये अपना अपना नज़रिया है, अपना अपना दृष्टिकोण है। तो अगर हम स्वार्थी हो जाएंगे कि मुझे कुछ ना हो, सामने वाले को मैं ठीक ना करूं, तो जी मैं स्वार्थी नहीं हूं और ना मैं स्वार्थी जीवन में बनना चाहती हूं। अगर मेरे किसी के हाथ लगाने से कोई ठीक होता है, अगर उसका रत्ती भर भी कष्ट मुझे आता है, तो मुझे वो कष्ट मंजूर है, सामने वाला ठीक होना चाहिए। तो जीवन में स्वार्थी ना बने, जीवन में परोपकार करें, सेवा करने का भाव अपने मन में लाएं, तो आप देखेंगे कि आपके आगे यानी कि आपसे हजार कदम क्या, आपके कदम कदम पर आपके प्रभु आपके सामने खड़े होंगे और जो कष्ट आपको आना होगा उन कष्टों को वो दूर हटाते चलेंगे। तो जीवन में स्वार्थी ना बने, जीवन में सबके लिए सोचें, तभी हमारा जीवन सफल होगा, तभी हम दूसरों का भला कर सकेंगे। तो जी ये था आपके सवाल का जवाब, थोड़ा बड़ा हो गया, माफ़ी चाहती हूँ। तो जितना मुझे समझ आया मैंने आपको बताया, हो सकता है आपको बुरा भी लगा हो या अच्छा लगा हो, मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने अपने भाव प्रकट किए हैं, मैंने अपने अंदर की जो आवाज़ है वो आप लोगों को बताई है। तो बस उम्मीद करती हूँ आपको आज की ये वीडियो है, क्योंकि आज है 8वां नवरात्रा, मेरी पूजा आरती हो गई है, अभी मैंने एक शॉर्ट्स डाला है, शॉर्ट वीडियो डाली है, तो आपने देख ही लिया होगा, माता रानी के दर्शन करवा दिए होंगे। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और फिर से बता देती हूँ चौकी हमें कब उठानी है, सामान का क्या करना है, इसकी वीडियो मैं कल ही आप लोगों को दे चुकी हूँ, तो वो जाकर वीडियो देख लें। और कल रामनवमी है, कल का व्लॉग आपको देखने को मिलेगा, हो सकता है व्लॉग थोड़ा बड़ा हो जाए, तो वो तो कल ही बताएगा, कल ही बनाने पर पता चलेगा व्लॉग छोटा बना है बड़ा बना है, हाँ लेकिन वीडियो आप लोगों को जरूर मिलेगी। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं, धन्यवाद, हरे कृष्ण।